वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यार जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इस टॉपिक को अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो यार आप लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आज का वीडियो, आज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ जितना हो सकता है उतना शेयर करो और इतना ज़्यादा शेयर करना कि कम से कम ये ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास तो पहुँचे। ठीक है, वो जो कान बंद करके बैठे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम करा रहे हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स भर्ती कर रहे हैं, उनके पास ही वीडियो आपको पहुँचाना है। माना कि ये जॉब अब तक की सबसे सिक्योर जॉब मानी जाती थी, जो भी आपकी डबल ए एयरफोर्स, मैं भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इन जॉब्स की, इसीलिए मैं अपने पढ़ाना चालू किया था। और इनका जो कमीशन है यार काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा ढील। लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें चलो चलता था, चलो ठीक है, पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, आप लोगों ने करवाया, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई, लेकिन इसके बावजूद आप लोग इतनी ज़्यादा ढील कैसे दे सकते हो? किस हिसाब से आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करवा रहे हो? यानी कि क्या होता है अगर नकल होती है, हैकिंग होती है, क्या होता है, एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। बाकी जो के और जो इतनी मेहनत से तैयारी करके गए उनका क्या होता है? ठीक है, जैसा कि लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हैकिंग हुई थी, नकल हुई थी, सेम टू सेम सिचुएशन इस साल भी है कि आपका जो डबल ए का एग्जाम है देहरादून में नकल हुई है, देहरादून में कंप्यूटर हैक किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बस उनको पकड़ के रख लिया भाई। ऐसा बहुत जगह हो रहा है। ठीक है, जैसे एयरफोर्स में जयपुर में एक ग्रुप पकड़ा गया था, हरियाणा में हुई है नकल। ठीक है, तो ये क्या सिर्फ ये तो जो पहुंच पाए, जहां तक पहुंच पाए वहां हो रहा है, ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा ऑल इंडिया कई जगह हो रहा है। ठीक है, बहुत जगह हो रहा है और इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बच्चे इतनी ज्यादा तैयारी करते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सिंपल सी बात है यार, इतनी ज़्यादा मेहनत करो और आखिर में ये पैसे वाले पैसे दे के सिलेक्शन ले जाएं, ये कहाँ का रूल है यार? ठीक है, और कब ये कमीशन जागेगा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि अब तो एकदम क्या बोलना है इसके बारे में, कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने की, बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट आई, बच्चे एग्जाम देने गए तब उन्होंने बताया कि सर मेरे बगल में ऑटोमेटिक कंप्यूटर चल रहा था। ठीक है, अच्छा बात करते सबसे पहले ये हैकिंग होती कैसे, ये हैकिंग होती कैसे। जैसे आपने देखा होगा आप लोग एग्जाम देने गए होंगे, ठीक है, तो बगल में क्या होता, बंदा सिर्फ एग्जाम है, सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा हो, बाकी इसकी स्क्रीन चल रही होती है। तो ये कैसे होता है, ये जितना भी काम है ना सब और सब एग्जाम सेंटर वाले होते हैं। ठीक, और सबसे पहले इस चीज को इंप्रूव करना होगा कि एग्जाम सेंटर वाले जो हैं, हम लोग अब क्या देख रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेंटर भेज दिया। ठीक, जहां पे भी 50 से 100 कंप्यूटर हुए वहां सेंटर भेज रहे हैं। यार इतना लापरवाही क्यों हो रही है? ठीक है, आप अपना खुद का इतने अच्छे से सेंटर्स बनवाइए, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी नकल नहीं होगी। बैंक का एग्जाम दिया, किसी ने देखा है, कभी सुना है बैंक के एग्जाम में नकल होती है? क्यों? क्योंकि वो उनका सेल्फ का बन गया है पोर्टल। ठीक है, उन्होंने अपना सेल्फ एग्जाम कराते हैं। ठीक, आपको कभी भी देखना, वो कभी ऐसी जगह नहीं बेचते जहां 100-150 कंप्यूटर होते हैं, वो ऑलवेज अब ऐसी जगह बेचते जहां पे खुद का सिस्टम लगा है। ठीक है, उनके कम से कम ऐसे सेंटर तो बन गए हैं। भले आप एग्जामिनेशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, हम ये नहीं कह रहे आप एग्जामिनेशन फीस बढ़ा दो, लेकिन कम से कम सिक्योरनेस तो दो हम लोगों को कि हम लोग इस चीज़ को सिक्योर हो जाएं कि भाई मेरा एग्जाम है एकदम सिक्योर है। ठीक है, बैंक नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा लेता है एग्जाम का, लेकिन कम से कम सिक्योर तो रहता है। ठीक है, आपको जो है नकल तो नहीं होती है यार। और बात करते हैं कि नकल कौन कराता है, ये जो नकल है मेनली मोस्टली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टीचर भी इसमें शामिल हैं, मोस्टली बहुत से टीचर शामिल होते हैं। ठीक है, आसपास लोकल एरिया के बहुत से टीचर सॉल्वर बनते हैं इसमें। और ये कैसे होता है, अब बात करते हैं इसकी। तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है मिररिंग का। ठीक है, आपको उसकी आईडी आपको भेज दी जाती है, तो आपका कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक उससे मिरर हो जाता है। ठीक है, वहाँ से आपका पूरा कंट्रोल जो सॉल्वर होते हैं उनके हाथ में होता है, और सॉल्वर इसको पूरी तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं। बहुत से टीचर इस चीज़ में आपको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, 7 लाख 8 लाख। मेरे पास भी आए थे फ़ोन। ठीक है, एक बच्चे का आया था, मैं उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बहुत पहले आया था। ठीक है, और उसका नंबर नहीं ले पाया। ठीक है, उसका आया था कि सर SSR में आपको अगर एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो मैं दिला सकता हूँ, 5 या 6 लाख रुपये चाहिए। सोचो ये हो रहा है, यानी कि बच्चों के कैरियर को सिर्फ और सिर्फ खरीदा जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा, मैं इस चीज़ का जवाब चाहता हूँ। और मैं अपने बच्चों से सभी से कहता हूँ, भाई इसको जितना हो सकता है शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, कम से कम ये चीज़ उन
लोगों तक पहुंचे जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों की मेरे से उम्मीद है, मेरे पास कम से कम 10 से 15 हज़ार मैसेज आ चुके हैं कि सर प्लीज़ इस चीज़ का वीडियो बना दो, मयंक सर क्यों नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, आप इतना कोशिश करो, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो भाई मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, अब आप लोगों का काम है, आप लोग आगे बढ़ाओ। ठीक, क्योंकि हम खुद चाहते हैं यार कि जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी सी अच्छी हो। ठीक, ये नहीं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बेचारे कितने मन से मेहनत करते हैं कि इस बार हमको सिलेक्शन मिलेगा, अगर उसमें से 100 सीटें चली जाती हैं इस तरीके से बेकार है, फिर 100 बच्चों का भविष्य खराब है। 100 बच्चों का नहीं, 100 परिवार का होता है। ठीक है, एक गरीब बच्चा कितनी मुश्किल से पढ़ता है उनको क्या पता, आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो वहाँ बैठे हो आराम से। ठीक है, बस सिलेक्शन लेने से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम भी अच्छे से कंडक्ट कराना है। ठीक, 5 से 2 साल पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो ये जॉब एकदम सिक्योर होती थी, लेकिन अब जब से ये ऑनलाइन चलने लगा है एकदम क्या बताऊँ मैं किस तरीके से हो रहा है। ठीक, तो भाई इस चीज़ को आप लोगों से मैं फिर से बोल रहा, बच्चों से वहाँ तक पहुँचाओ कि उन लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इसके बाद ऐसा मत हो, अगर ऐसा होगा तो किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से बच्चे अपना अपना पूरा फ्यूचर दांव लगा के यहाँ पे तैयारी करते हैं और उसके बाद कुछ नकल वालों के चक्कर में सब बदनाम है। ठीक यार, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, दैट्स आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मुझे पता है कि ये जो है इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके ऊपर नहीं है, ये वीडियो जो है उन लोगों के पास है जहां आप सेंटर भेज रहे हो, तो ये कमियां सेंटर वालों की हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, और पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं इस कमीशन से, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करो और इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जहाँ पर मीडिया पहुँच जाती है, मीडिया ने कवरेज कर दिया, आप वहाँ का देख पा रहे हो, और कई जगह मीडिया नहीं पहुँचती, वहाँ का क्या होगा, कई जगह। ठीक है, ऐसा एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह हो रहा है, मोस्टली 2 एग्ज़ाम सेंटर में एक एग्ज़ाम सेंटर इसमें से इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। आप लोग कम से कम यार ऐसे एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया करो जहाँ पे ये चीज़ ना हो। बस हम कहते हैं कि आपको किसी को नहीं भेजना, एग्ज़ाम सेंटर वाले को भी नहीं भेजना, यार आपके पास सब कुछ इतना अच्छा है, अपने सोल्जर्स भेज दो। ठीक है, वहाँ पे देखते कैसे नकल हो जाती है। एक दिन के लिए अगर एग्ज़ाम करा रहा हो तो मैं कह रहा हूँ कुछ सोल्जर्स अगर एक एग्ज़ाम सेंटर्स में भेजोगे तो अब तब भी यार बहुत चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे। अगर आपका एक सोल्जर चला जाता है उस जगह पे और उस एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मेरे हिसाब से बहुत राहत मिलेगी बच्चों को। ठीक है, और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के भविष्य का नहीं, ये देश के भविष्य का सवाल है। आप यहाँ नकल करा के तो एग्ज़ाम में आ जाएंगे, लेकिन वो करेंगे क्या, उनको कुछ ज्ञान नहीं, वो कैसे करेंगे। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके पास कम से कम कोई ऐसा बंदा ना आए जो नकल से पास हुआ हो। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई एग्ज़ाम सेंटर में कम से कम एक सोल्जर को भेजा ही जाए, वहाँ पे जाके उनके एम्प्लॉयज़ ना हो कि आपके सोल्जर्स हों, तो उस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी बच्चों से कि आप लोग शेयर कर देना, जितना हो सकता है उतना शेयर करना कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे। काफ़ी बच्चों की उम्मीदें हैं इस चीज़ से, काफ़ी बच्चों के भविष्य का सवाल है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो फिर मेरी उम्मीद यही है कि आशा रखता हूँ कि अगले एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करोगे। तो फिर बच्चे लोगों, तो लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे, जितना हो सकता उतना शेयर करो, और क्या यार। ठीक है, कम से कम ये नकल तो रुकनी चाहिए, इस चीज़ को आप बढ़ाओ, आगे आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।